पूरे भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहीं दिन में शीतलहर के कारण लोगों को कड़ाके की ठंड का एहसास हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बादलों के कारण तापमान में बढ़ोतरी हुई है। वहीं खास बात यह है कि दिन में घना कोहरा छाएगा और दृश्यता घटकर 50 मीटर से कम रह जाएगी। ऐसे में ग्वालियर में आपको होगा कुल्लू मनाली का एहसास। हालांकि कोहरे में ठंड कम रहेगी, लेकिन कोहरा छटने के बाद शहर को कड़ाके की ठंड झेलना पड़ेगी। वहीं नए साल में हवा का रुख उत्तरी हो जाएगा। नए साल में ठंड का जोरदार असर पड़ेगा। ठंड का जो दौर आएगा, काफी कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा। वहीं रबी की फसल के लिए अमृत के रूप में पानी बरसा है, इससे सिंचाई में पानी कम लगेगा। सिंचाई में उपयोगी होने वाली बिजली की बचत होगी, साथ ही फसलों को मजबूती मिलेगी। बता दें कि सागर से आ रही नमी के कारण मंगलवार को शहर में मौसम बिगड़ा था। बारिश से अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से घटकर 60 डिग्री हो गया, वहीं 16 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, जो सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। दिन में ठंड से लोग ठिठुर गए। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में कोहरे की दस्तक होगी। 29 दिसंबर को बारिश थम जाएगी।